दीक्षिता जी, हिमाचल प्रदेश न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। और आज आप रहन के दशहरे में परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपको तालीम है संगीत की, कहाँ से हासिल हुई? सिंगिंग की अगर जर्नी की बात करें तो वो मतलब जब मैं सिक्स में थी तब शुरू किया था मैंने। मेरे को पहले शौक नहीं था सिंगिंग का, बट स्कूल में मतलब जैसे हमारे म्यूजिक टीचर थे तो उन्होंने मतलब मेरे को देखा होगा ऐसे गाते हुए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप आओ, तो वहीं से फिर मैंने जाना शुरू कर दिया और फिर मेरी म्यूजिक की जर्नी वहीं से शुरू हुई। अच्छा, आपने जो पहली परफॉर्मेंस कहाँ की थी और कब की थी? पहली परफॉर्मेंस तो मैंने स्कूल में ही करी थी। हमारे स्कूल में ऐसे फंक्शंस होते थे जैसे क्रिसमस फंक्शंस हो गए या कोई चिल्ड्रंस डे का, तो वहाँ पर ही मैंने स्कूल के सामने अपनी पहली परफॉर्मेंस की। जो आपने परफॉर्मेंस की जिसमें जो गाना गाया था उसमें कुछ गुनाएंगे आप? बहुत पहले गाया था मैंने, मैं गा देती हूँ। एक सुपरस्टार सिंगर से वो है, उसमें उसका सपने रे उसका नाम है। चोरी से छुप छुप के मैंने, चोरी से छुप छुप के तिनका तिनका उनके सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। थैंक यू। अच्छा, आपने पहला गाना कब गाया था? पहला गाना तो मैंने स्कूल में गाया था, स्कूल के अंदर गाया। हाँ जी। ऑडिशन का अगर बात करें तो वो भी मैंने अपने स्कूल की तरफ से ही दिया था, और वो जब मैं सिक्स में थी तभी ही मैंने दिया था। आपकी जिंदगी का कोई जो ऐसा पल हो जो आपको अच्छा लगे बताना चाहेंगे? हाँ जी, अभी कुछ समय पहले मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था सुरु के सरताज, उसमें मैं सेकेंड रनर अप रही, मेरी थर्ड पोजिशन आई वहाँ पे। तो वो मेरा पहला ऐसे रियलिटी शो था और उसमें मतलब मेरी थर्ड पोजिशन आई, तो वो हमेशा याद रहेगा। हाँ जी, लाइफ में अब आगे तो म्यूजिक में ही जाना है, सिंगिंग में करियर बनाना है। लोग काफी प्यार कर रहे हैं और ऐसे प्यार करते रहेंगे तो सिंगिंग में ही आगे। सुनने में ये आ रहा कि आप आजकल एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शायद वो ऐसा कौन सा गाना होगा जो अभी हाईलाइट होने जा रहा है? अभी दिवाली से पहले पहले मेरा फर्स्ट सॉन्ग आने जा रहा है, तो बस थोड़े दिनों में वो रिलीज होने वाला है।